जब हमने लिमिट को स्टार्ट किया था बेसिक लेवल पे, तो वहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया था कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कितनी होती हैं, वो सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उन सारी फॉर्म को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, नोट किया हुआ है। उनमें से आज हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इवेल्यूएशन देखेंगे। उससे पहले हम लोग जीरो अपॉन जीरो का इवेल्यूएशन देख चुके हैं, कितने मेथड हम लोग लगाते हैं और किस तरीके से इवेल्यूएट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म को इवेल्यूएट की कर चुके हैं और उसके आधारित क्वेश्चंस, उसी फॉर्म पे बेसिस क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे 7 फॉर्म्स हैं, तो कम से कम लोग 7 वीडियो 7 लेक्चर्स यहाँ लेने वाले हैं, हर एक लेक्चर में एक फॉर्म कंप्लीट करेंगे कम से कम। तो आज हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कि कैसे हम लोग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को इवेल्यूएट करें। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि लिमिट अगर अप्लाई करते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी x इन्फिनिटी नहीं है बट इन्फिनिटी जब होगा तो यहाँ पर रखेंगे तो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट और ये समथिंग, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी में समथिंग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अभी इस फॉर्म में है तो कैसे इवेल्यूएट करेंगे, हमने देखा कि x की वजह से ये इन्फिनिटी जा रहा है, x की हायर पावर की वजह से ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो जो भी इसमें हायर पावर होगी, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस हायर पावर को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा d, यहाँ पे e अपॉन x, यहाँ पे f अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a, यहाँ b अपॉन x, यहाँ पे c अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने ऊपर और नीचे से एक्स स्क्वायर जो कि सबसे हायर है डिग्री का टर्म है उसको हमने यहाँ पे कॉमन लिया। अब ये इन्फिनिटी अभी नहीं है, मैंने बोला लिमिट लगने का मतलब पहले ही, अगर आपको अभी आप लिमिट का ये चैप्टर देख रहे हैं, अगर यहाँ पे सुन रहे हैं, तो आप पहले सबसे पहले पहले वाला बेसिक वाला लेक्चर आप देखें, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती हैं और लिमिट का मतलब क्या होता है। हमने बोला कि आप कानपुर में हैं और आप कानपुर आ रहे हैं, दोनों में अंतर है, तो कानपुर आ रहे हैं इसका मतलब लिमिट, तो इन्फिनिटी होने वाला है, अभी है नहीं, तो एक नंबर है उससे उस नंबर को उस नंबर से काट सकते हैं। अब देखें कि लिमिट अप्लाई करें तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ये टर्म वैनिश हो जाएंगे, बचेगा क्या, डी अपॉन ए, यही हमारा आंसर होगा। अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हायर पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने वाले हैं, थ्री माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या कॉमन लेने वाले हैं, एक्स स्क्वायर, तो टू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बोला कि ये वाला स्टेप बहुत ही सिंपल है, मैंने बोला कि ऊपर से पूरी एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे की पूरी एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डी ई एफ ए बी सी इस टाइप कॉन्स्टेंट लिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर एज ए कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से काट देते, सिमिलरली समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ये सारे जीरो हो गए, रेशियो क्या आया, थ्री अपॉन टू, आंसर इवेल्यूएट कर लिया। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैसे इवेल्यूएट कर रहे हैं एज ए एग्जाम्पल और उस पर आधारित क्वेश्चन लिया हमने, सिंपल सा मेथड है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसा कि अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी एक क्वेश्चंस के हेल्प से हमने वहाँ पे समझाया कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट शॉर्टकट बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि अपने माइंड्स को हम सेट करेंगे कि किस तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि बहुत जल्दी हम आंसर को निकाल पाएँ। एक हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया हुआ है, दो रैशनल एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करके देखा है, यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही एक्स इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और नीचे वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करते हैं केस वन में, केस वन में ए जीरो नहीं है और ई जीरो नहीं है, मतलब ए दो जीरो नहीं है, बाकी जीरो हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मतलब केस वन को हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे केस वन से, ठीक है, जो चीज़ हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं
उसी का एक एग्जांपल भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिया कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स दो फंक्शंस का रेशियो है और लिमिट एक्सटेंशन इन्फिनिटी जब लेते हैं तो हमने यहाँ दिखाया है कि इन्फिनिटी पर ऊपर वाला टर्म भी इन्फिनिटी और नीचे वाला टर्म भी इन्फिनिटी। जैसे कि एग्जाम्पल में ये भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। बुक्स इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी फंक्शन यहाँ पे लें, कोई भी ले लें, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखेंगे उसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। हमने दिखाया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर का और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर है, जब भी बराबर होगा तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं 2/3। मतलब यहाँ पर भी अगर आप ऐसे आंसर निकालना चाहें इसका, इस वाले का, तो आंसर ए अपॉन ई आएगा, ठीक है। ए अपॉन ई मतलब हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट। आप बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसे कि लिमिट एग्जांपल देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 3x³ - 2x² + 1/7x³ - 2x + 1, तो आंसर इसका आएगा 3/7। जब आप इसको ध्यान देंगे, मैंने बोला वो ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। जब भी ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर हो तो जो भी हाईएस्ट डिग्री कोफिशियंट होंगे उनका ही रेशियो क्या बन जाएगा, आंसर। यहाँ पर हम ट्रिक को डिस्कस कर रहे हैं, तरीका कैसे इवैल्यूएट करते थे पहले बताया था कि कॉमन लेके करते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में हमने क्या लिया कि ए को जीरो ले लिया, ए को नॉन जीरो लिया है तो ये वाला जीरो नहीं होने वाला है, और इसको जीरो ले लिया तो इसका मतलब अगर ये जीरो हो गया तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन 3 डिग्री की होगी और नीचे वाली 2 डिग्री की, मतलब ऊपर वाली डिग्री ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे दिखाया डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्यूबिक है ये क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे केस में आप देखिए कि हमेशा आंसर क्या बनने वाला है, इन्फिनिटी बनना है। आंसर क्या बनने वाला, इन्फिनिटी, मतलब ये इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x³ / x², सिंपल हमने ले लिया x³ / x² समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो जब आप यहाँ पे काटोगे तब भी आपको ऊपर x डिग्री ज़्यादा होगी तो x या x² या x³ बच जाएगा, और बचेगा तो कहाँ टेंड होगा, इनफाइनाइट। तो जब भी आप डिग्री आप न्यूमरेटर, जैसे यहाँ पे ये जीरो नहीं लिया और इसको जीरो ले लिया, तो ऊपर की डिग्री ज़्यादा कर ली और नीचे की डिग्री कम की, जैसे यहाँ पर डिग्री ऊपर ज़्यादा नीचे की कम थी, तो जब भी ऊपर की डिग्री ज़्यादा दिखे नीचे कम, आंसर आपको ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए को हमने क्या किया, जीरो कर दिया तो ये टर्म हट गया, और बी को जीरो नहीं किया तो ये है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है ज़्यादा कम है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे क्यूबिक है, तो अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल में यहाँ देखें कि अगर हम ले लें लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x² / x³, तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x आएगा, और 1/∞ क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आने वाला है, जीरो। मतलब कुछ भी आप टेंशन नहीं लेना है, नीचे डिग्री ज़्यादा हो गई ऊपर कम हो गई तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रिक अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी आपको। जो अभी हमने शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट कह सकते हैं या डायरेक्टली आप आंसर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से लें। उस पर हमने पहले केस का एक एग्जांपल लिया है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो उसको हम यहाँ पर एक बार देखते हैं कि किस तरीके से वो आ रहा है। यहाँ देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है ऊपर वाले की डिग्री 3 है, और यहाँ पर भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 3 है, बराबर है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आना चाहिए था, 3/2 आ गया। बट हम लोग देखो प्रोसेस से जाते हैं, चेक किया लिमिट से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऊपर से हम लोग कॉमन लें हाईएस्ट डिग्री, x³ कॉमन लेंगे तो 3 - 1/x³ आएगा कि नहीं आएगा, yes। नीचे से भी x³ कॉमन ले लें तो 2 - 2/x + 1/x² + 1/x³ आएगा कि नहीं आएगा, yes। देखिए ये तो बात सिंपल है तो इसलिए जल्दी ही बताई जा रही, जीरो आ गए और जीरो बचा गया, 3/2 बचा कि नहीं, yes। हाँ तो प्रोसेस से जाएंगे तो इतना आपको करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा, बट आप एक बार डायरेक्टली अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाए, बड़ी बात नहीं मैंने बोला, बट आपको मैंने बोला कि माइंड सेट करना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग केस सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऊपर की डिग्री ज़्यादा है नीचे की डिग्री कम है, तो हमने बताया था आंसर डायरेक्टली क्या आने वाला है, इनफाइनाइट।
मगर हम प्रोसेस जा रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी, ऊपर हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो 2 + 1/x² हो जाएगा, नीचे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है एक्स ही है, एक्स कॉमन होगा तो 1 + 1/x, जब इन्फिनिटी जाएगा तो ये जीरो हो जाएंगे और ये जीरो हो जाएंगे, जब ये काटेंगे तो एक्स बचेगा, क्या बचेगा, नीचे तो वन आ गया पर ऊपर अभी भी एक्स का टर्म है तो वो क्या टेंड करा देगा उसको इनफाइनाइट, भाई एक्स होने से क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, समझ भाई बात की नहीं, प्रोसेस से जाएं या डायरेक्ट जाएं आंसर आपको चेंज नहीं मिलेगा ठीक। तो थर्ड केस में हमने बताया था कि न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी, अगर ऐसे केस में जहाँ पर नीचे डिग्री ज़्यादा है तो आंसर इसका क्या आने वाला है जीरो, प्रोसेस से अगर जाएं तो आप ये सिंपल हो गया, आप कर लेंगे ना एक्स स्क्वायर, चलिए आपके मन की मर्जी पता नहीं क्या कहती है, हम लोग कर लेते हैं, नीचे एक्स क्यूब आएगा 3 - 2/x + 1/x² + 1/x³, जो भी ये टर्म है वो क्या हो गए जीरो हो गए सारे ठीक है, यहाँ पर जो भी आया तो नीचे x बचा ना, ये कट गया नीचे x बचा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो आ गया, भाई नीचे x बचेगा कि नहीं बचेगा इसके कटने के बाद, तो यहाँ पर सम जो भी आएगा फाइनाइट उस अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो, तो तीनों केस को हमने डिस्कस किया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में यही तीनों केस बनते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्टली आंसर हम निकाल सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे वाले अभी आगे डिस्कस करेंगे, उससे आप और अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है, हटा दे समझ आ रहा है साले वीडियो। तो जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाते हैं, मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रियल में बहुत ही मतलब लगन के साथ और रेगुलरली वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर वो कोई भी चैप्टर हम करा रहे हैं और उसके क्वेश्चंस उनके पास नहीं है या सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमने यहाँ पर सारे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस आपको लिखे हैं, मतलब बहुत ही बेसिक हैं, अगर आप इनको कर पाते हैं इम्पॉर्टेंट भी हैं, ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट भी हैं, अगर आप इनको करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पक्का, और अगर कोई भी दिक्कत हो, मैंने बोला कि आप कोई भी दिक्कत हो हम लोग बिल्कुल इनिशियली लेवल पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, हम इस पर कंसर्न ही नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं, जो हमने बात को इनिशिएट किया है इसको तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि निमसेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, इस तरीके से हम लोग डे बाय डे पर डे इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, मुझे पता है कि अगर एक स्टूडेंट ने इसको पढ़ा और इस स्टूडेंट का अच्छा सिलेक्शन हुआ तो ये बहुत ही खुशी वाली बात है, बात ये नहीं कि वो क्रेडिट किसको देता है और इस बात पर मैं कंसर्न ही नहीं रहता हूँ ठीक है, इस एनर्जी का बस कहीं ना कहीं यूज़ और कहीं ना कहीं यूज़फुल रिजल्ट आने वाला है, इसलिए हम लोग बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से ना ही बढ़ाएंगे एक कांस्टेंट गति से, और वही लोग पढ़ें जिनके अंदर पेशेंस है, वो लोग ना पढ़ें जो कुछ ऐसा चाहते हैं कि हवा में अभी निमसट निकलने वाला है, तो वो उनको एडवाइस है कि उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, जो बहुत ही पेशेंसली चल रहे हैं उनके साथ हम लोग हैं, 9 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के, नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग होंगे ठीक है।